हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। गुड इवनिंग अनिल। लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन CSIR नेट से किए थे, जो कि सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन टॉपिक से थे। आज के सेशन में हम कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं NBHM के, जो कि सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन से हैं ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि अभी इंडिपेंडेंस वीक IFS में मनाया जा रहा है, जिसमें कि स्ट्रांगली जितने भी हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो जिस सेगमेंट के जिस सब्जेक्ट के भी हों, इवन फिलहाल मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, हर कोर्स पे ही फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी कोर्स फी है उस पर 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसमें कि अगर आप CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की बात अगर करें, तो अगर वो 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है तो वो आपको 7,500 में प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि पहले 15,000 में दिया जा रहा था। वहीं अगर 9 मंथ ड्यूरेशन का जो कोर्स है वो 19,000 का था, जो कि अभी 9,500 में 50% प्राइस पे आपको अवेल कराया जा रहा है। उसी तरह से अगर आप 12 मंथ के ड्यूरेशन की बात करें, तो जो 21,000 प्राइस का जो कोर्स था वो आपको 10,500 में दिया जा रहा है। गुड इवनिंग विवेक। वहीं आगे बढ़ते हैं, तो 8th of August से हमारी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हुई हैं, जो न्यू बैच फ्रेश बैच है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए, लाइक आप दिसंबर एग्ज़ाम बोल सकते हैं उसके लिए है। तो वो 8th of July से स्टार्ट हुई है, इवन कल से ही मंडे से स्टार्ट हुई, तो आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। और ये जो 14,999 मीन्स 15,000 जो है, ये आप 7,500 पे अवेल कर सकते हैं। तो ज्वाइन करिए और स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को। और फिलहाल हम सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन के कुछ PYQ डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेगमेंट का, वो क्या है, पिक आउट द सीक्वेंसेज विच आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आपको इन चारों सीक्वेंस में से वो सीक्वेंस पिक करने हैं जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। पहला है आपका FNX इज इक्वल टू साइन टू द पावर NX ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन π/2। दूसरा है FNX इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर N/N +1 ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन 1। तीसरा है आपका FNX इज इक्वल टू 1/1 +x − n होल स्क्वायर ऑन −∞ टू 0 ओपन। एंड द लास्ट वन इज FNX इज इक्वल टू 1/1 +x − n होल स्क्वायर ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो सिंपली अगर आप MN टेस्ट भी अप्लाई करेंगे तो आई होप ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो फटाफट से ट्राई करिए और मैं भी इन बिटवीन स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप तो साइन की जो वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन π/2 में, आप उसकी वैल्यू पे फोकस करें और साथ में MN टेस्ट आप अप्लाई करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राई करिए और बताइए कि ऑप्शन ए के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो वो भी, और अगर नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। किरण मालवीय, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, FNX इज इक्वल्स टू साइन NX, ऐसा कुछ, या सिंपली साइन NX ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं। और X हमें बिलोंग कराना है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन π/2 में, ठीक है। तो इसमें अगर आप साइन का ग्राफ बनाते हैं, साइन फंक्शन का, तो आपका ग्राफ क्या होगा, यहाँ आपका π/2 है, ये आपका 1 है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये अप्रोच कर रहा होगा, मतलब π/2 पे अगर ये पहुँच पाता तो ये क्या करता, 1 को अटेन करता, बट फिलहाल ये 1 को सिर्फ अप्रोच कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू होने वाली है साइन एक्स की, वो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन 1 तक की वैल्यू होने वाली है। और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ जा रहा है वो उसका बिहेवियर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर है यहाँ पे ग्राफ का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो इसका पॉइंट वाइज लिमिट है, वो अगर फाइंड करने की कोशिश करें साइन NX पे, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा FX विच इज़ आइडेंटिकली 0, यहाँ पे आ जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ रही है, रेंज की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वो कहाँ से आ रही है, क्लोज 0 से ओपन 1, मतलब मॉड एक्स लेस देन 1 वाले सेगमेंट से आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, FX विच इज़ आइडेंटिकली 0 पे।
अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में हमें बात करनी है, तो MN टेस्ट लगा लेंगे। तो MN क्या कहता है, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2, इसमें हम बात कर रहे होंगे, और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा अपना एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा। तो इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to π/2, क्या है, सिंपली एफ एन एक्स ही है अपने पास। अब यहाँ पे अगर मुझे क्लोज 0 से ओपन π/2 पे अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो, गुड इवनिंग ऋषभ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि साइन टू द पावर एन एक्स जो आपका फंक्शन है, इस डोमेन पे बात करें तो जो रेंज सेट आपका आ रहा है वो क्लोज 0 से ओपन 1 आ रहा है, तो जो सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो जो एम एन है ना आपका, वो कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। तो जो हमारा एम एन टेस्ट है वो क्या कहता है कि लिमिटिंग वैल्यू 0 पे जाए देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका साइन टू द पावर एन एक्स ऑन क्लोज 0 to π/2, ये हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो ए फॉल्स हो गया हमारा। अब सेकेंड की बात है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1, और कहाँ बात करना है, क्लोज 0 to ओपन 1 में हमें बात करना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को देखते हैं। अब बी में क्या दिया हुआ है अपने पास, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन होल अपॉन एन प्लस 1, और बात कहाँ करना है हमें, एक्स बिलोंग करे क्लोज 0 से ओपन 1 में, ठीक है। तो अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करूं तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स कहाँ चला जाएगा, 0 पे। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स कहाँ जाएगा, 0 पे। एक्स की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखें, 0 या नॉन, सॉरी, यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पे जाने वाली है, 1 पे जाने वाली है। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 1 पे, और एक्स की वैल्यू अगर नॉन जीरो रख रहे हैं तो भी ये वैल्यू 1 को ही जाने वाली है, ठीक। अब आप एम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एम एन क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to ओपन 1 मॉड ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन एन प्लस 1 एंड माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स टू द पावर एन अपॉन एन की सुप्रीमम वैल्यू कहाँ पे जाके आपको मिलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 1 में डिफाइन किया गया है, तो एक्स टू द पावर एन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 के नेबरहुड में आपको मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कहाँ पे टेंड कर जाएगा, 0 पे टेंड करेगा, क्योंकि जो भी मैक्सिमम वैल्यू चाहे आप अटेन कर लें वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स जब आप अटेन करेंगे, तो एन की वैल्यू तो वाई में ही होने वाली है ना, तो ये आपको 0 पे टेंड करा देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। विजय कुमार, गुड इवनिंग। दिनेश कुमार, सर ऑफर्स हैं क्या, ऑब्वियसली एक तो लाइव कोर्स जो अभी यूट्यूब पे है ये तो पूरा का पूरा ऑफर ही है, 100% फ्री ऑफ कोर्स। और वैसे अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन आके एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जो जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सारे पे 50% का आपको ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब थर्ड हमारा कह रहा है, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस n होल स्क्वायर ऑन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ध्यान दीजिएगा कि सी और डी क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है, बस क्या है यहाँ पे कि जो डोमेन दिया गया है, जिस इंटरवल पे हमें बात करनी है, वो इंटरवल बस चेंज करा है इसने। तो एक तरीके से हमारे लिए सहूलियत ये होगा कि हम जो पॉइंट वाइज लिमिट निकालने जा रहे हैं वो पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगा, दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, बस हमें जो एक्स के टर्म में होगा ऑब्वियसली, फिर जब हम वैल्यूज पुट कर रहे होंगे, मतलब एम एन टेस्ट जब लगा रहे होंगे, सीधी सी बात इस तरह से कहें, तो वहाँ पे आपको इंटरवल से वैल्यू पुट करके सुप्रीमम डालने की ज़रूरत होगी। वरना आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखें, करना तो यहाँ एक्स माइनस एन होल स्क्वायर ही है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं एफ एन एक्स को दोनों ही इंटरवल पे बारी बारी से। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए जो हमारा एफ एन एक्स है वो क्या है, 1 अपॉन
वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर ऑन माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x की आप अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कोई भी फाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी कहाँ पे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में n का टर्म आएगा, ये क्वांटिटी आपकी ज़ीरो पे टेंड कर जाएगी। इवन x को अगर आप माइनस n भी रख देंगे तो ये माइनस टू एन होल स्क्वायर बेसिकली वन प्लस फोर एन स्क्वायर टाइप से हो जाएगा और ये इन ज़ीरो पे टेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर जो है वो कहाँ पे टेंड करेगा, ज़ीरो पे टेंड करेगा, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब काम क्या है, हमें एम एन फाइंड करना है। तो एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस तो ज़ीरो ही करना है आपको। तो अगर इसकी सुप्रीमम वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है ही है जो गिवन डोमेन है उस पर, तो हम डेरिवेटिव लगा सकते हैं यहाँ पे। तो डेरिवेटिव अगर हम यूज़ करेंगे, ये सॉरी छोटा हो गया, वन अपॉन एक्स माइनस एन होल स्क्वायर ऐसा। तो अब अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें हम कि टी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वन इन टू, अब वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव टू इन टू एक्स माइनस एन आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्सट्रीमा पॉइंट फाइंड करना है तो इक्वल टू ज़ीरो से कंपेयर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई टू इन टू एक्स माइनस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाई यहाँ से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू एन आ गया। और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है हमारा, तो अगर इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, एन तो हम यहाँ पुट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक्स को अगर एन पुट करना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो यहाँ तो डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है हमारे पास, तो पॉजिटिव वैल्यू तो है ही नहीं कि मैं एन को पुट कर दूँ यहाँ से और उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूँ। तो फिर कुछ इस तरह से देखना होगा कि हमारा जो फंक्शन है उसका बिहेवियर क्या है। तो जब जो गिवन डोमेन है इस पे हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा होगा। तो जो हमें सुप्रीमम वैल्यू मिलनी चाहिए वो कहाँ मिलनी चाहिए, एंड पॉइंट्स पे मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कुछ इस तरह से। तो अब ये जो यहाँ एम एन जो हमने डिफाइन करा हुआ है, तो इनिशियल पॉइंट अगर मैं ज़ीरो पे फाइंड करूँ तो भी ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, ज़ीरो के नेबरहुड में अगर मैं बात कर रहा हूँगा, तो फिर यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एन होल स्क्वायर है, ये क्वांटिटी ज़ीरो को टेंड कर जाएगी। और इवन मैं एक्स को अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी ज़ीरो को टेंड करेगी। तो सुप्रीमम वैल्यू जो है आपकी वो ज़ीरो पे ऑब्वियसली टेंड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, सुप्रीमम वैल्यू हमारी कर जाएगी ज़ीरो को टेंड। वहीं तो यहाँ से हम एफ एन एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कह सकते हैं कि दैट इज़ एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बट अगर हम डी नंबर ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ तो ओपन ज़ीरो टू इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव साइड में डिफाइन करा हुआ है हमने, तो यहाँ पे तो एन पुट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल होगा। तो यहीं पे मैं डिस्कस कर दूँ ऑप्शन डी के लिए कि फॉर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, फॉर x इक्वल टू n जो हमारा एम एन है वो क्या बन जाएगा, वन अपॉन वन, मतलब ये बेसिकली वन ही हो गया क्योंकि वन माइनस वन ये ज़ीरो। तो इसका मतलब एफ एन एक्स नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन द गिवन डोमेन। तो जो c में डोमेन दिया हुआ था उस पर ये फंक्शन तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हुआ, बट जो डोमेन d में दिया हुआ है उसमें ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेट एफ एन बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि एफ एन जो है हमारा एक कॉम्पैक्ट सेट क्लोज इंटरवल 0, 1 पे डिफाइन भी किया हुआ है और साथ ही साथ क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज टू द फंक्शन एफ आइडेंटिकली 0। मतलब पॉइंट वाइज एफ इक्वल टू 0 पे कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि डोमेन से कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं तो उसके लिए जो पॉइंट वाइज लिमिट आई हुई है वो 0 आई हुई है, या यूं कहें कि ये जो फंक्शन एफ है ना इसकी वैल्यू क्लोज इंटरवल 0, 1 के हर पॉइंट के लिए हमने 0 डिफाइन की हुई है, ठीक। तो फिर इसके रिगार्डिंग दो ऑप्शन है यहाँ पे, वो एनवीजीएम वाले में कभी चार ऑप्शन पूछा गया है, कभी दो ही पूछा हुआ है, और फर्दर फिर तीन ऑप्शन आमतौर पे पूछे जा रहे हैं अभी। तो ये दो ऑप्शन वाला है। तो अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल 0, 1 पे क्या है हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है क्या बस उतने ही से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं क्या कि एफ एन हमारा कन्वर्ज करना चाहिए यूनिफॉर्मली। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो इसी ने दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि इफ़ द फंक्शन एफ एन नॉन नेगेटिव हो जाए देन एफ एन मस्ट बी कंटिन्यूस फॉर सफिशियंटली लार्ज एन। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव हो जाए, मतलब आंसर जो मतलब जो वैल्यू आ रही है फंक्शनल वैल्यू वो नेगेटिव ना आए बस, तो उतने भर से क्या जो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा क्या, और साथ में जो दिया गया कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो फिर अब सीधा हम एम एन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एम एन क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1 मॉड ऑफ एफ एन एक्स, और माइनस एफ एक्स करने की जरूरत नहीं है वो 0 ही होगा, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिंपली एफ एन एट 1। अब मॉड ऑफ एफ एन एट 1 मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सुप्रीमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा, 1 पे अटेन करेगा, तो मॉड ऑफ एफ एन एट 1 हो गया। अब एफ क्या है हमारा, आखिर जो एक्स पॉइंट हम लेंगे क्लोज इंटरवल 0, 1 से, हर एक्स के लिए एफ एन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या आई हुई है, 0 आई हुई है, तभी जा करके तो हमारा पॉइंट वाइज लिमिट 0 हुआ है। तो ये एफ एन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 पे टेंड कर जाएगा, तो जो सुप्रीमम वैल्यू है हमारी वो 0 पे टेंड कर गई, तो ऑब्वियसली हमारा एफ एन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो जाएगा। अब बी में जो कह रहा है कि अगर मैं फंक्शन को नॉन नेगेटिव ले लूं, मतलब जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव हो जाए, तो क्या फंक्शन जो है कंटिन्यूअस रहेगा हमेशा, मतलब नॉन नेगेटिव लेने का मतलब यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन दे देना, सॉरी सफिशियंट कंडीशन दे देना हुआ कि अगर मैं एफ एन नॉन नेगेटिव ले लूँ तो हमारा एफ एन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो या तो ये ट्रू होगा, नहीं तो हम एक काउंटर एग्जांपल दे पाएंगे कि हमारा फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो होगा वो दिए गए सारे कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो या तो ट्रू होगा ये, तो किसी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे हम, और नहीं अगर फॉल्स है तो हम काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं काउंटर एग्जांपल आप लोग, या फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, या फिर काउंटर एग्जांपल हम बना पाएंगे? हाँ जी, यहाँ पे सीक्वेंस हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेना है, और हम ऑलरेडी जितना कंडीशन है बस उतने ही कंडीशन भर से हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट दिखा दिया है। तो अगर आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो ऐसा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करे, साथ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी अब कंडीशन का ही हिस्सा हो गया है जो हिडन था, दिख नहीं रहा था हमें। तो कभी भी आपको लाइफ में जब काउंटर एग्जांपल बनाना हो सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन में,
और आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए काउंटर एग्जांपल बनाना हो, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाएं, ऑब्वियसली वो किसी डोमेन पे डिफाइन होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स हो जाए। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स हो जाने से क्या होगा कि अगर उसकी पॉइंट वाइज लिमिट सिर्फ जीरो हो गई ना, तो उसी पॉइंट वाइज से वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की तरफ जब हम जाते हैं, एमएन टेस्ट लगाते हैं, तो करते क्या हैं, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करते हैं डोमेन पे, है ना। तो जब हमारा एफ एक्स जीरो को चला गया तो बचा एफ एन एक्स। अब एफ एन एक्स अगर मैं एक्स से इंडिपेंडेंट डिफाइन कर लूँ, तो फिर सुप्रीमम मैं किस एक्स के लिए फाइंड करूँगा, एक्स की चॉइस तो रही ही नहीं हमारे पास। तो सिंपली जो हमारा एफ एन एक्स होगा वो अगर जीरो पे चला जा रहा होगा तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। ये है काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने का अप्रोच, कि इस तरीके से हम काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वेन एवर एक्स बिलोंग कर जाए क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन वन में, और एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या करिए, आप दुनिया का कोई सिक्वेंस रख दीजिए जो कि क्या हो जाए, पहली बात तो ये कि कंडीशन हम नॉन नेगेटिव वाला ले रहे हैं, तो पॉजिटिव का सीक्वेंस हो और इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स हो और जीरो पे कन्वर्ज कर रहा हो। आप चाहें तो वन अपॉन एन ले लें, आप चाहें तो वन अपॉन एन प्लस कोई भी अल्फा ले लें, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ इस तरह से, तो आप बना सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स है, ये जीरो पे पॉइंट वाइज हो रहा है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। बट साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो सिर्फ नॉन नेगेटिव हो जाना इस बात को इम्प्लाई नहीं करता है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। अब यहाँ ऑप्शन में तीन सीरीज दी, सर एक नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बिकम वन, सो वाई फंक्शन इज नॉट यूसी। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं वन बन गया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं वन बन गया है, एन जो पॉइंट है ना एक्स इक्वल टू एन पे हमें सुप्रीमम वैल्यू अटेन हो रहा था, तो हमारा एम एन जो है ना एम एन वन बन गया है, फंक्शन नहीं वन बन गया है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो हमारा mn 1 बन गया, तो mn जब 0 को टेंड करता है तब जाकर के हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है ना, है कि नहीं। क्लियर है सुशोवन पात्रा। चलिए अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सीरीज है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो जैसे कि फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन ए में जो सीरीज हमें दिया हुआ है वो क्या है, सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन प्लस बी एन साइन एन टी, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 0, 1, डोमेन जो है हमारा वो क्या है, माइनस पाई टू पाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो सिंपली सीरीज़ के जब भी यूनिफॉर्म, जिस तरह से हम एमएन टेस्ट लगाते हैं सीक्वेंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, सीरीज़ में भी सबसे पहला तो जो माइंड में आएगा वो जो वेस्टर्स एम टेस्ट है वही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम जो हमारे पास सीरीज ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम एम टेस्ट लगाएं तो क्या करते हैं कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू कोई एम एन हो जाए और एम एन की सीरीज कन्वर्जेंट बस हो जाए तो हमारा सीरीज ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मॉड ऑफ ए एन कॉस एन टी की बात करूं प्लस बी एन साइन एन टी की बात करूं, तो कॉस एन टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और साइन एन टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऋतु यादव गुड इवनिंग, अभी लेट हैं आप आधे घंटे वो भी, चलिए कोई नहीं।
तो मॉड ऑफ ए एन कॉस एन टी प्लस बी एन साइन एन टी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन प्लस बी वन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यही हो सकती है। तो अभी देखिए हमने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी के हेल्प से यहाँ पे जो हमारे पास टर्म एफ एन था उसे हमने इंडिपेंडेंट फ्रॉम टी बना दिया। अब ये सिर्फ रियल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अब ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए एन प्लस मॉड ऑफ बी एन है। अब क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है कि सिग्मा मॉड ऑफ ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। मतलब अगर मैं सिंपली सिग्मा ए एन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, या फिर ये सिग्मा मॉड ऑफ ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है, और सिग्मा मॉड ऑफ बी एन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अब यहाँ से ये क्वांटिटी इन सारी क्वांटिटी से लेस देन इक्वल टू हुआ है, तो सिग्मा मॉड ऑफ ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा मॉड ऑफ ए एन प्लस सिग्मा मॉड ऑफ बी एन ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये अगर किसी अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है, ये किसी बीटा पे, तो ये ओवरऑल कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पे, ठीक है। तो हमारे पास एक एम एन, जो एम टेस्ट में हम एक रियल नंबर की सीरीज डिफाइन करते हैं वहाँ और चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं, तो वो कन्वर्जेंट हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी और सी के बारे में बताना है आपको कि बी में जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा क्या, और सी में जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा क्या। तो क्या कह सकते हैं बी और सी के बारे में, सुशोभन पात्रा? हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है आपने, उसी इनइक्वालिटी से हमने भी किया है यहाँ पर। और वो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, एम टेस्ट ही आएगा हमारे, और उसी से ये बाय डिफॉल्ट हो भी जा रहा है। अब बी की अगर बात करेंगे आप, तो अब आपको देखना है कि ये जो हमारा सीरीज ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। तो हम कहाँ बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में। तो अगर हम ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में बात कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने के लिए, अब इसमें कई कंडीशंस है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कॉची अप्लाई कर सकते हैं, है ना, हम nth पार्शियल सम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कई वे हैं जाने के लिए हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे कि e टू द पावर माइनस एन एक्स है हमारे पास, हिमांशी बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। मेरा ये कहना है कि जैसे कि बी नंबर पे जब आप काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका जो एफ एन एक्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, e टू द पावर माइनस एन एक्स दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कॉची क्राइटेरिया की तरफ थोड़ा अगर बढ़ूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कोई कुछ फाइनाइट टर्म छोड़ दीजिए, या फिर यूँ कि कुछ कोई भी m और कोई भी n टर्म ले, तो एक k मिलना चाहिए कि एफ एन माइनस एफ एम जो होगा वो लेस देन एप्साइलन होगा फॉर एवरी n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया। तो उसी से इन्फ्लुएंस हो करके मैं क्या कर सकता हूँ कि nth टर्म और n, मतलब nth टर्म तक का जो सम होगा और n माइनस वनth टर्म तक का जो सम होगा उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें nth टर्म मिलेगा। तो वो क्वांटिटी कहाँ जानी चाहिए, जीरो पे जानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्स को वन अपॉन एन पुट करूँ, कर तो सकता ही हूँ क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी में बात हो रही है, तो जीरो तो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, जीरो को अप्रोच करना है तो वो तो हमारा डोमेन भी अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल। तो एक्स को अगर वन अपॉन एन लिखते हैं तो हमारा ये एफ एन क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन बन जाएगा, ठीक है। और e टू द पावर माइनस वन जीरो को तो नहीं टेंड करेगा, जैसे सीरीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगा तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस होगा वो जीरो पे टेंड करना चाहिए,
तो वो लॉजिक यहाँ भी होगा कि अगर हमारा सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो अगर SOPS की बात करें तो वो इफ एंड ऑनली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, या जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो जीरो पे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो को जानी चाहिए, वहाँ से हम इम्प्लाई करेंगे, क्योंकि सीरीज ऑफ रियल नंबर में जो प्रॉपर्टी है वो तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो तो मतलब लागू होना ही होना है यहाँ पे। यहाँ यूनिफॉर्मिटी की बात एक्स्ट्रा होने लग जाती है क्योंकि हम डोमेन पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जीरो पे नहीं जा रहा है तो बी नंबर हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। अनिल आपका आंसर सही है, और बाकी जिन्होंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहा था उन्हें रीज़न मिल गया होगा कि क्यों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब सी की बात करते हैं, सी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सी नंबर में क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से है। तो ये हमारा सीरीज ऑफ फंक्शन है, और डिफाइन कहाँ पे करा हुआ है इन्होंने, क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन पे डिफाइन किया हुआ है। तो इसका पहले, अब चूंकि इन्फाइनाइट तक का टर्म दे दिया हुआ है तो इसका हम SOPS डिफाइन कर लेते हैं, या फिर ताकि nth टर्म पता चले ताकि हम और बात कर सकें, ठीक है। तो SNX की अगर बात करें, मतलब SOPS की बात करें, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, और जो न्यूमरेटर है हर टर्म का एक्स स्क्वायर वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n है तो वो n के साथ वेरी नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आउट आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर k, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन जाती रहेगी। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ये हमारा nth पार्शियल सम है, तो ये क्या हो जाएगा, c यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो वेरीफाई कर रहे हैं, देखते हैं अगर आपका आंसर पिछला तो सही हुआ है, अब इसके बारे में क्या है देखते हैं। तो ये है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि लेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको मैं r अज्यूम कर लेता हूँ सिंपली, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, कुछ ऐसा ये वैल्यू आ गई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि वन माइनस आर की वैल्यू क्या हो गई, आर को अभी आर ही रहने देते हैं, न्यूमरेटर में आर रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करते हैं, वन माइनस आर की वैल्यू क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या बनेगा अपना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन, ऐसा कुछ। तो ये क्या मिला मुझे, nth पार्शियल सम मिला, दैट इज SNX हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन, ठीक है। अब हमें इस सीरीज को अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना है तो यहाँ पे इस SNX को हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ SNX का अगर हम पॉइंट वाइज लिमिट निकालने जाए कहाँ पे, तो क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन में। तो अब इधर वाला सेगमेंट तो जो भी एक्सपुट करेंगे उस हिसाब से वन प्लस एक्स स्क्वायर करके देगा, यहाँ पे है वन माइनस आर टू द पावर एन, ठीक है। अब मैं r की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ,
आर की वैल्यू क्या थी, 1/1 + x² होल पावर n। ठीक, अब देखिए x की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो अब n के हिसाब से जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करते हैं x की, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 0 मतलब 1, मतलब एक तरीके से 1 + x², और यहाँ पे 1 - 1/1 + x² n है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बाहर वाला टर्म जो आपका 1 + x² है वो n से इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे अगर बात करें तो x स्क्वायर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम कहाँ बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन 1 में भी, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज 1 में भी अगर हम बात करें तो वही बात होगी जो बात यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1 से 1 में हो रही है। ठीक है, तो अब अगर हम वैल्यू 0 पुट करते हैं x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा और प्रोडक्ट हमारा कुल मिला के 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम कुछ नॉन जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से बिगर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, जीरो पुट करने पे ये 1 - 1 0 ओके 0 × something 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम नॉन जीरो पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर क्वांटिटी इन्फिनिटी को जाएगी, तो ये क्वांटिटी 0 पे, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 + x² आ जाएगा। अब जिस एग्जाम का ये क्वेश्चन है वहां पे तो टाइम होता है करने के लिए। हाँ जी दिनेश, दिए हो पेपर इनबीएचएम का, कितना टाइम में दिए हो, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं ना एग्जाम में। हर चीज का रामबाण नहीं होता है। जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है वो आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो SnX की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SnX, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे होंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और जब हम नॉन जीरो पे बात कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + x² मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 पे हमें 0 मिल रहा है, लेकिन 0 पे अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहा होऊंगा तो वो मुझे 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जो पार्शियल सम बना है हमारे पास, वो हमारे पास एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बना हुआ है, बट यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास एक सीरीज है -1 to the power n into x² + n whole upon n² पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स, द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, द सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन r, द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। क्या होगा इसका आंसर, ट्राई करिए और बताइए कि ये जो सीरीज है क्या r पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, या सिंपली हम कन्वर्जेंट की बात कर सकते हैं x की वैल्यू कोई भी रखें। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट बोलने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में। हाँ जी, डी तो था भी नहीं, सी, द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्यूटली फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, देखते हैं, तो सी ट्रू है, और ए और बी क्या गलत है क्या, सी ट्रू है हमारा, ए और बी गलत है क्या,
हाँ ऑब्वियसली आप देखिए, अगर डोमेन गिवन नहीं होगा तो ऑब्वियसली रियल लाइन लेके चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस के सेगमेंट में आएगा। तो अगर ऑप्शन ए है तो ए नंबर ऑप्शन तो सिंपली जो कह रहा है वो इनडायरेक्ट वे में क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी की तो बात कर रहा है ना, कि डोमेन के किसी भी वैल्यू एक्स के लिए ये कन्वर्ज हो जाए। तो जो लिबनीज रूल होता है वो क्या कहता है कि ऑल्टरनेटिंग टर्म का सीरीज होना चाहिए, और अगर हम मॉडुलस वैल्यू फाइंड करें तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ए नंबर है द सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करिएगा, जब मॉडुलस वैल्यू फाइंड करिएगा तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ना, लिबनीज टेस्ट लगा देंगे आप, तो आराम से वहां से ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट निकल कर चला आएगा। ठीक है, बाय लिबनीज टेस्ट। अब है कि द सीरीज कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन आर, ये आर पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा क्या? तो आर पे अगर इस सीरीज को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना है तो जो पॉइंट वाइज सॉरी जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यहाँ पे, जिससे हमने सीरीज ऑफ फंक्शन बनाया है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ चली जानी चाहिए? जीरो पे चली जानी चाहिए। मतलब एक तरीके से लिमिटिंग वैल्यू जीरो नहीं, सॉरी, ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसका, ये कहाँ होना चाहिए? यूनिफॉर्म कन्वर्ज होना चाहिए जीरो पे। ठीक है, जब हम सीरीज के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस होता है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहाँ करना चाहिए? जीरो पे। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा क्या जीरो पे? हाँ जी, रितु एंड दिनेश एंड जलिंदर, आप तीनों ने ए और बी कहा है। मेरा ये कहना है कि ये जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे, जिससे हमने सीरीज बनाया हुआ है, ये यूनिफॉर्मली जीरो पे कन्वर्ज करेगा क्या? पॉइंट वाइज तो डेफिनेटली कर जाएगा, यूनिफॉर्मली करेगा क्या? सीरीज ऑफ फंक्शन के यूनिफॉर्म कन्वर्ज होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली जीरो पे कन्वर्ज करना पड़ेगा, और उस समय से कई बार यूनिफॉर्मली जीरो पे कन्वर्ज कर चुके हैं। तो आप चेक करिएगा, क्योंकि इसको चेक करने लगेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर कहेंगे कि सर अरे इतना टाइम लगा दोगे तो एग्ज़ाम में, तो फिर तो इतने देर में एक ही क्वेश्चन होगा। तो आप खुद से ट्राई करिएगा, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिक्वेंस है ना, ये पॉइंट वाइज जीरो पे कन्वर्ज करेगा, यूनिफॉर्मली नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होगा जीरो पे। अब आगे आ जाइए सी नंबर में, कि द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्यूटली फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब एब्सोल्यूटली तो खैर ऑब्वियस ही बात हो जाएगी ना कि ये कन्वर्ज नहीं करेगा, जब आप मॉड ऑफ -1 to the power n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर की बात करेंगे, तो बेसिकली ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो सेगमेंट होगा आपका एन अपॉन एन स्क्वायर का जो सेगमेंट होगा आपका, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर सिंपली मिला आपको, और प्लस क्या मिल गया आपको मॉड ऑफ 1 अपॉन n। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लीजिए, ये वाला कन्वर्ज होने ही नहीं देगा इसको। ठीक है, कि द सीरीज डज नॉट कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। आप कोई भी एक्स लीजिएगा, इस वाले सेगमेंट को आप कन्वर्ज कराइएगा ना, इस वाले सेगमेंट में तो फिर भी प्रॉब्लम बचा रहेगा, इधर भी प्रॉब्लम आ सकता है, बट यहाँ डेफिनेटली आ ही रहा है तो इधर का प्रॉब्लम ढूंढे ही क्यों हम। तो द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्यूटली फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ये बात ट्रू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां क्या कह रहा है कि
कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इनमें से। तो तीनों ही ऑप्शन में आपको सीरीज दिया गया है। अब पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कंटिन्यूअस होगा, सीरीज को ही एक फंक्शन की तरह ट्रीट करा गया है और पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो ए के बारे में तो आप लोग डायरेक्टली भी कह सकते हैं ना, ए के बारे में तो हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अभी इसी पे तो काम कर रहे थे ना। ऑप्शन ए के बारे में तो आप बात कर सकते हैं, अभी जस्ट जीरो पे कंटिन्यूटी फेल हुई थी, एक क्वेश्चन में था ना, एक ऑप्शन में ही, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करते रहते हैं इसमें और कुछ ऑप्शन, तो ये तो नॉट कंटिन्यूअस होने वाला है, इस पे तो डिस्कशन ही क्या करना, मेन बी और सी पे आ जाइए। कंटिन्यूअस होंगे ये लोग, तो सिंपली आपको क्या करना है, बी नंबर में तो आप एम टेस्ट लगा दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो लगता है आपने एम टेस्ट लगा लिया है रितु, तो फिर चेक कर लेते हैं। तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एन एक्स की बात करेंगे तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एन एक्स होल अपॉन एन टू द पावर 3/2, और ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1/(n^3/2) हो जाएगा, और सिग्मा 1/(n^3/2) क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, उससे ये सीरीज क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया, और सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यूनिट रहा, सॉरी इसका जो लिमिट रहा होगा वो क्या आएगा, हमारा कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो बी नंबर तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा हमारा। अब आते हैं सी नंबर में, सी नंबर में क्या बोलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एन इक्वल टू 1 to ∞ n² x^n, जहां x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -(1/2) to 1/2 में। ठीक है, तो आप इसमें आर ओ सी का रिजल्ट लगा सकते हो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला, उससे भी किया जा सकता है, है ना। पढ़ते हैं ना कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1/(an) करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एन प्लस 1 an। अब n प्लस 1 होल स्क्वायर और n करेंगे तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही चली आएगी, तो अपने पास क्या आके रह जाएगा, सिंपली ये मॉड x हो जाएगा, और ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होता है, जब मॉड x लेस देन 1 होगा तब के लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से दी गई है, क्लोज इंटरवल -(1/2) to 1/2 में, तो मॉड x ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, और मॉड x लेस देन 1 होने का मतलब ये हमारा जो सीरीज है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा तो जो इसकी लिमिट होगी वो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूअस लिमिट होगी। ठीक है, तो सी नंबर भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, इनमें अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछें, अदरवाइज फिर ओवर करते हैं आज के लेक्चर को, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर ओवर करते हैं आज के लेक्चर को, थैंक यू। हाँ, सी भी है रितु, सी भी आंसर, बी एंड सी दोनों ही आंसर हैं यहाँ पे, आर ओ सी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है।